हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द समरी ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, एंड द राइटर इज लियाम ओ फ्लेहर्थी। क्लास टेंथ की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें दो कहानियाँ हैं एक्चुअली। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट कहानी, हिज फर्स्ट फ्लाइट की समरी सीखेंगे या उसके बारे में जानेंगे। कहानी एक सीगल की है, एक समुद्री पक्षी है जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन वो डरता है उड़ने से, जबकि उसका काम उड़ना है, उड़े बिना उसका गुजारा नहीं। अगर इस कहानी को कुछ देर के लिए एक ब्रॉड पिक्चर में देखें, बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखें, तो मुझे लगता है कि हम सब के साथ है, चाहे हम करियर में हों, हम लाइफ में हों, हम एजुकेशन की लाइफ में हों, हम स्पोर्ट्स की लाइफ में जाएं, हम कहीं भी कोई भी नया काम शुरू करें, चाहे वो वीडियो बनाना ही हो या ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो हमने किया आपके लिए, जब भी हम कोई काम शुरू कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर तो होता ही है। अब ये अलग बात है, इस फियर को हटाने में हमारी मदद कौन करता है? जब हम बड़े होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स ये काम कर रहे हैं, हम और बड़े होते हैं तो बच्चे हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है फैमिली, जिसमें एक स्कूल है माता पिता, और इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस यानी कि जो हेड टीचर है वो हमारी मदर है। हमेशा से कहा गया ना, अ मदर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर अ चाइल्ड एंड द फैमिली इज़ द इंस्टीट्यूशन फॉर अ चाइल्ड। तो परिवार नाम का एक जो संस्था है, शैक्षिक संस्था, सिर्फ संस्था नहीं, शैक्षिक संस्था में मदर ये जिम्मेदारी निभाती है। तो सीगल बैठा रहता है किनारे पर, वो जाना नहीं चाहता उड़ने, उसके छोटे भाई बहन हवा में उड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, मछलियाँ ला रहे हैं, खा रहे हैं। एक दिन उसका एक छोटा भाई मछली लेकर आता है और सारे फैमिली के लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए क्लैप करते हैं अपने, फ्लैप करते हैं, क्लैप की जगह फ्लैप करते हैं अपने फैदर्स को। वो देखता है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वो सोचता है कोई इसे खिला दे। तो ये डिपेंडेंसी की फीलिंग है उसके अंदर, जो कई बार हम सबके अंदर होती है और हम इसे बाहर निकालते हैं, और हमें इसे बाहर निकालना भी चाहिए। जब कोई तरीका काम नहीं आता, ना भाइयों का, ना बहनों का, ना पिता का, तो मदर एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो एक मछली लेकर आती है छोटी सी, उसे ऐसा लगता है कि वो उसे खिलाने ला रही है, और वो पहाड़ की चट्टान पर ऊंचाई पर बैठा हुआ है, वो तेज़ी से उसकी ओर आती है। जब उसे वो अपने बिल्कुल करीब पाता है तो मदर रुक जाती है, ज़ोर से एक जंप लगाता है उस मछली के टुकड़े की ओर, और वो उस पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। वो डर जाता है, घबरा जाता है, बुरी तरीके से कांपता हुआ नीचे बहुत तेज़ी से गिरता जाता है। उसे लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। कुछ सेकेंड्स तक या एक आध मिनट तक ऐसा उसे लगता है, फिर अचानक उसके पंख, ये हम सब के साथ है दोस्तों, जब हमें लगता है कोई और चारा नहीं होता तो हम अपना बेस्ट एफर्ट उस दिन के लिए बचा के रखते हैं, वो अपने पंख खोलने की कोशिश करता है और अचानक वो उड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उड़ना शुरू करता है तो वो क्या देखता है, उसकी मदर उसके साथ है, उसका फादर उसके साथ है, उसके बाकी बहन भाई उसके साथ है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज राइटर ने दिया, मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें यहीं पर इसको, कि एक कोलैबोरेशन है, एक टुगेदरनेस है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन है फैमिली परिवार की ओर से, एक पूरा एक संघर्ष है, लेकिन वो एक सबकी ओर से संघर्ष है कि परिवार का कोई भी सदस्य ना तो भूखा रहे, ना वो कमज़ोर रहे, और ना ही वो किसी से पीछे रहे। सब सेलिब्रेट करते हैं, वो उड़ने लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो और ऊंचाई पर जाना चाहता है, उड़ते 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 बहुत दूर निकल जाता है। अब वो नीचे आना चाहता है समुद्र की सतह पर, तो उसे फिर डर लगता है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, उसके सारे परिवार के लोग उस सतह पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं पानी में, एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत करके वो अपने पंख लाकर टेकता है उस पर, और जैसे उसका पेट पानी पर लगता है तो डरता तो है कहीं वो डूब ना जाए, लेकिन अचानक एक बार फिर उसके पंख उसकी मदद करते हैं और वो तैरने लगता है। फैमिली के लोग फिर से सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसकी मदर उसे एक मछली का टुकड़ा लाके देती है, एक गिफ्ट के तौर पर, एक प्राइज के तौर पर, एक सेलिब्रेशन मोड पर पूरी फैमिली है, और उसने जो ये सक्सेस पाई है इसके लिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसे एक
एक प्राइज दिया जाता है, वो बहुत खुश होता है। आज बहुत खुश है सीगल, क्योंकि आज उसने वो सीख लिया है जो उसे सीखना ही चाहिए था। और यहाँ पर उसकी फैमिली की ओर से जो एफर्ट हुए हैं, मदर की ओर से जो बहुत अच्छे से एक मास्टर स्ट्रोक लगाया गया उसे सिखाने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से सीगल अब एक समझदार और ज़िम्मेदार और एक मैच्योर, एक बहादुर सीगल बन चुका है। अब उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो उड़ने के लिए या फिर अपना शिकार ढूंढने के लिए, समुद्र में जाने के लिए और मछलियाँ पकड़ने के लिए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।